हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट क्रैक एग्जाम। तो दोस्तों, आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन सीएन 1/2018 वाले कैंडिडेट्स के लिए आरआरबी इलाहाबाद जोन से बहुत ही बड़ी ऑफिशियल अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पैनल के बाद आपका कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है। और दोस्तों, एलपी में 3 मार्क्स तक की वेटिंग क्लियर हुई है, जबकि अगर हम बात कर लें टेक्नीशियन में, दोस्तों टेक्नीशियन में 8.8 मार्क्स तक कम हुआ है मैक्सिमम। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ही अपडेटेड वीडियो के लिए। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप वेटिंग लिस्ट करने से तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाते रहते हैं और ऐसी वेटिंग क्लियर होने की पूरी प्रोसेस की वीडियो बना रखें। और जल्द ही दोस्तों, मैं एक और वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊँगा आपकी 100% वेटिंग अभी भी क्यों क्लियर होगी ऑफिशियल प्रूफ के साथ। तो दोस्तों, उसके लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए दोस्तों, मैं सीधा आपको लेकर चलता हूँ अपडेट पे, जो कि आ जाइए। इसके लिए मैं लेकर चलता हूँ आरआरबी इलाहाबाद जोन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 अपडेट से, पहले तो पैनल आ गया था, 3 अपडेट आई हैं कट ऑफ की। दोस्तों, पहले हम कम्युनिटी वाइज कट ऑफ ओपन कर लेते हैं। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे एएलपी की सबसे पहले हम कट ऑफ की बात कर लें तो मिनिमम 72.7025 तक गया है। दोस्तों, अगर हम बात कर लें एएलपी में कितना कम हुआ है, दोस्तों अगर हम कम की बात करते हैं एएलपी के लिए, तो दोस्तों यूआर में अगर हम बात करें 1.13 मार्क्स तक आपकी कट ऑफ कम हुई है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं एससी में, तो दोस्तों एससी में अगर हम बात कर ले तो 1.56 मार्क्स तक आपकी कम हुई है। अगर एसटी में बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा एएलपी के लिए 3.3 मार्क्स तक की आपकी वेटिंग क्लियर हुई है। अगर हम बात कर ले वहीं ओबीसी की, तो दोस्तों ओबीसी में दोस्तों 1.30 मार्क्स तक की क्लियर हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे अगर ज़्यादा किसी की किट क्लियर हुई है वेटिंग, मतलब मार्क्स में देखा जाए तो, मैं कैंडिडेट्स में नहीं बोल रहा हूँ, मार्क्स में एसटी में है आपकी 3.3 मार्क्स तक। वहीं दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं यूआर की, तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 1.13 मार्क्स तक क्लियर हुई है। तो दोस्तों, अगर आपकी वेटिंग क्लियर नहीं है तो भी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे हमेशा से बोलते आया हूँ कि 100% क्लियर होगी और होकर ही रहेगी। इसका मैं बहुत ही जल्दी आपको ऑफिशियल प्रूफ देने वाला हूँ ऑफिशियल नोटिस के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं टेक्नीशियन की, अब पैनल की। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्नीशियन में बहुत सारी कैटेगरी एनईसी गई है, इसमें कैंडिडेट ही नहीं मिले हैं। दोस्तों अगर हम बात कर लें टेक्नीशियन में, दोस्तों हम सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे कैंडिडेट्स के हिसाब से बात करें तो कैटेगरी नंबर हम 25 में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों यूआर की आपकी जो कम हुई है 1.1 मार्क्स तक की, यहाँ पे आपकी कैटेगरी नंबर 25 पे कम हुई है। वहीं दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं कैटेगरी नंबर 31 में, दोस्तों यूआर की आपकी देखा जाए तो 4.9 मार्क्स तक की यहाँ पे कम हुई है। दोस्तों मैंने मेन लिस्ट का पैनल पहले ही प्रिंटआउट ले रखा, तो उसके हिसाब से मैं ऐड कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ। दोस्तों एक कैटेगरी ऐसा है जहाँ पे आपको कट ऑफ बढ़ा हुआ दिखेगा यूआर का, वो है दोस्तों कैटेगरी नंबर आपकी 44। इसमें दोस्तों जो 81 मार्क्स यहाँ पे है वो दोस्तों अगर आया था आपका, तो दोस्तों इसमें यहाँ पे 2 मार्क्स तक का इंक्रीज दिख रहा है। तो इंक्रीज का कोई रीज़न होगा, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि मे बी कोई कैंडिडेट्स इधर से उधर मूव हुआ हो इस वजह से यहाँ पे इंक्रीज होगा, बट दोस्तों सेलेक्शन सबका हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो सबसे ज़्यादा मैंने बोला है टेक्नीशियन में 8 नंबर तक की वेटिंग क्लियर होने का। दोस्तों उससे पहले मैं 8 नंबर की वेटिंग से पहले मैं पीसीएम टेक्नीशियन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं पीसीएम टेक्नीशियन की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपकी यूआर से अगर हम बात कर लेते हैं तो 0.6 मार्क्स तक की यहाँ पे आपकी वेटिंग क्लियर हुई है। वहीं ओबीसी की 0.7, एसटी में दोस्तों सबसे ज़्यादा यहाँ पे 1.5 मार्क्स तक की क्लियर हुई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा कि जिसका कैटेगरी में आपकी हुआ है 8.8 मार्क्स तक का, वो है दोस्तों आपका कैटेगरी नंबर 129 एनसीआर टेक्निकल ग्रेड 3 रिमोट कंट्रोल टीआरडी। तो दोस्तों यहाँ पे आपके कैंडिडेट्स भी बहुत कम पाए जाते हैं, और जो यहाँ पे आपकी मेन लिस्ट का जो कट ऑफ आया था वो आपको मैं दोस्तों बता देता हूँ, आप जाके मेन लिस्ट में देख सकते हैं। कैटेगरी नंबर 129 में 82 मार्क्स था दोस्तों। वहीं दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं अभी जो पैनल आई है 82 पॉइंट आपका समथिंग था दोस्तों, तो यहाँ पे जो पैनल आई है वो दोस्तों 74 है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लगभग सीधे 8 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला है एनसीआर टीआरडी में, जो कि यहाँ पे कैंडिडेट्स बहुत ही कम मिलते हैं। तो दोस्तों एक कैंडिडेट अगर मूव होता है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कैंडिडेट्स नंबर मूव हो जाता है। दोस्तों ये रही आपकी कट ऑफ की अपडेटेड वीडियो, आई होप आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप वेटिंग लिस्ट करने से तो दोस्तों बिल्कुल भी आप होप मत कोइए, बिल्कुल थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपकी वेटिंग 100% क्लियर होगी। आप कोई भी मतलब एक्साइटेड होकर कोई भी गलत एक्शन नहीं लेना है आप लोगों को पढ़ाई पर भी फोकस करते रहना है। आप लोगों के लिए मैं बहुत ही जल्द एक
पूरी वीडियो लेके आना हूँ, आने वाला हूँ एएलपी वेटिंग लिस्ट के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।